हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं नई वीडियो में और नई जॉब के साथ। जी फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पे बिहार परिवहन भर्ती 2020 के बारे में। तो अभी जो है योग्यता 12वीं पास रखा गया है और साथ ही साथ आवेदन यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो है आवेदन कैसे करेंगे और इसकी अधिक जानकारी क्या है, इस वीडियो में फुल आप लोग को जानकारी दिया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो अब आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ और नोटिस पे हमने आ चुके हैं, तो आप लोग को यहाँ पे शॉर्टकट की जानकारी देने वाले हैं। तो अब आप लोग को बता दूँ, सबसे पहले देख पाएंगे आप लोग बिहार सरकार की तरफ से अभी जो है परिवहन विभाग की ओर से ये भर्ती निकाला गया है। साफ साफ तौर पर देख पाएंगे यहाँ पे प्रखंड में जो है वाहन प्रदूषण जाँच केंद्र खोलने का सुनहरा अवसर। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे करेंगे उसकी जानकारी देना चाहेंगे। ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करेंगे तो देख पाएंगे, अपने संबंधित जिला परिवहन कार्यालय से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अपने जिले के जो है परिवहन कार्यालय से आप लोग जाके आवेदन करेंगे। ठीक है, लेकिन कौन कौन आवेदन कर सकेंगे, अगर आप लोग 12वीं पास जो है साइंस के साथ किए हैं, 12वीं पास जो है साइंस के साथ किए हैं तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसी के साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कैसे करें आवेदन। तो आवेदन कैसे करेंगे, तो आप लोग को जो इस वाले वेबसाइट पे जाना होगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वाले वेबसाइट पे जाके आप लोग आवेदन से दे सकते हैं और आवेदन पत्र के साथ ओग्रास के माध्यम से आप लोग को जो है यहाँ पे जमा करना होगा अनुज्ञ लाइसेंस। ठीक है, अनुज्ञ लाइसेंस जमा करना होगा और उसका शुल्क का रसीद भी और अन्य कागजात संकलन करना होगा आप लोग को परिवहन जिला कार्यालय में जमा करना होगा। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को बता दूं आवेदन पत्र के साथ क्या क्या जमा करना होगा, क्या क्या संकलन करना होगा। तो आवेदन पत्र के साथ आप लोगों को बता दूं यहाँ पे ट्वेल्थ पास आप लोग का सर्टिफिकेट वगैरह। ठीक है, साथ ही साथ देख पाएंगे यहाँ पे वाहन प्रदूषण जाँच केंद्र हेतु प्रस्तावित स्थल संबंधित कागजात और फिर एकारामा और जमीन की आधी रसीद, यानी कि जहाँ पर आप लोग जो है अपना केंद्र खोलेंगे इस तरह वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, वहाँ का आप लोग का रसीद और वहाँ का आप लोग को देना होगा। देख पाएंगे किरायानामा, आप लोग का जमीन का रसीद का जो है आदि कागजात देना होगा। ठीक है, इसी के साथ देख पाएंगे जानकारी यहाँ पे दी गई है कि प्रस्तावित जांच केंद्र का फोटो, जो आप लोग जहाँ केंद्र खोलेंगे उसका एक फोटो भी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे देख पाएंगे शपथ पत्र, जो शपथ पत्र बनाया जाएगा वो आप लोग को यहाँ पे जो है देना होगा और बैंक स्टेटमेंट वो भी आप लोग को जमा करना होगा कार्यालय में जाके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ आप लोग जो है अपने जाएंगे कार्यालय। ठीक है, अपने जिला संबंधित कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद संपर्क करेंगे, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद सारा जो है कागजात जो है लेके आप लोग को फिर से कार्यालय पर जाना होगा। तो अब आप लोग को बताना चाहूँगा इसका शुल्क। ठीक है, तो शुल्क क्या रहेगा देख पाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन ओग्रास के माध्यम से आप लोग को जो है 6,000 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, जो कि आवेदन शुल्क आप लोग का 1,000 रुपया है और देख पाएंगे एवं अनुगतित शुल्क जो है आप लोग का 5,000, यानी कि कुल जो है 6,000 रुपया आप लोग का इस फॉर्म में लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को बता दूँ हमारे बिहार के पूरे 38 जिलों में जो है 369 प्रखंडों में जो है यह वाहन जाँच केंद्र खोले जाने का पद जो है रिक्त है। 369 प्रखंड जो अभी रिक्त है हमारे बिहार में, और बिहार के हर एक जिला में लगभग जो है हर एक जगह पे जो है यहाँ पे प्रखंड देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से है। अररिया जिला में देख पाएंगे जोकीहाट और देख पाएंगे इसी तरह आप लोग का अलग अलग जो है यहाँ पे प्रखंड है। इसी तरह आप लोग को बता दूँ आप लोग कौन सा जिले से आप लोग अपना देखना चाहते हैं, तो इस PDF को, इस जो है न्यूज़ नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर फेसबुक पेज से। ठीक है, या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा इस न्यूज़ नोटिस को डाउनलोड कर लीजिए और अत्यधिक जानकारी आप लोग खुद से भी ले सकते हैं। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का हर एक जो है क्वेश्चन का आंसर देंगे और कमेंट में भी आप लोग को आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट, आशा करेंगे आप लोग को वीडियो यूज़फुल लगा, तो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं बिहार से संबंधित जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप लोग इसी तरह अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलेंगे बिहार की और एक लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।